तक सर शाहजहांपुर में एक और घटना। बिल्कुल, शाहजहांपुर में घटना ये हुई कि सहेली के जाल में एक छात्रा फंसी, रुपयों का इंतजाम किया गया, नैनीताल आना पड़ा, होटल में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से इस तरह के जो जाल हैं, जो ट्रैप हैं, उनसे आजकल के लोग बच सकते हैं और फंसते कैसे हैं? जी देखिए, ये फरीदपुर में पढ़ाई कर रही है एक लड़की, जैसा बताया गया है, जो खबर है जो ग्राउंड रिपोर्टर्स ने अमर उजाला के भेजी है। पीड़ित छात्रा ने एसएसपी को ये बताया कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और उसको पैसों की ज़रूरत थी पढ़ाई के अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। कई तमाम चीज़ें होती हैं, एजुकेशन आजकल बहुत सस्ती नहीं रह गई, काफ़ी महंगी है, और परिजन रुपया देने में उसे नाकाम थे। तो कॉलेज में ही पढ़ने वाले बदायूं के एक शख्स ने उसकी मदद करने का उसे आश्वासन दिया था, और 5 मई को उसके इंस्टाग्राम पे उसकी सहेली का एक मैसेज आया, और वो उस छात्र की भी महिला मित्र है जिस छात्र ने पैसे देने का आश्वासन किया था, उसकी एक दोस्त का मैसेज आया और उसने कहा कि पैसों का इंतज़ाम हो गया है लेकिन चेक मिला है, कैश नहीं मिला, चेक मिला है। अब सोचिए, गूगल पे का ज़माना है, अब यूपीआई का ज़माना है, अब तमाम डायरेक्ट, मतलब अगर इंस्टाग्राम व्यक्ति चला रहा है तो उसके पास में कॉन्टैक्टलेस पेमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसको कहा कि चेक मिला है, बरेली में चुनाव चल रहे हैं, बैंक बंद हैं, उसे नैनीताल आना पड़ेगा अगर पैसा चाहिए तो। उस लड़की की बातों में आकर ये लड़की शाहजहांपुर से चल पड़ी नैनीताल के लिए, और ये नैनीताल पहुंची और इसको कहा गया कि अकेले आना, अपने भाई के साथ मत आना। ये अपने भाई के साथ जाना चाहती थी लेकिन इसको कहा गया कि अकेले आना, भाई के साथ मत आना। फिर ये लड़की अकेले नैनीताल पहुंच गई क्योंकि इसको पैसों की सख्त ज़रूरत थी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए। अब इसको वहाँ वो लड़का मिला जो इसका दोस्त है, और उसने पहले ही नैनीताल के एक होटल में कमरा बुक करा रखा था। आरोपी होटल में ले गया और वो लड़का, वो लड़की, दोनों लोग वहाँ मौजूद थे, और उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया, असफल होने पर पीटा, और छात्रा को बेचने के लिए दिल्ली से ग्राहक बुला रखे थे। किसी तरह इसका कहना है कि मैं चंगुल से छूटकर होटल के बाहर आई और भाई को नैनीताल से बुलाया और नैनीताल से बरेली पहुँची। अब आरोपी छात्र और उसकी महिला मित्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। फरीदपुर के जो इंस्पेक्टर हैं राम सेवक, उन्होंने ये बताया है कि रिपोर्ट दर्ज हो गई है और अब तलाश की जा रही है आरोपियों को पकड़ने की। लेकिन मृत्युंजय, इसमें दुष्कर्म अभी सामने नहीं आया है, इसमें दो बातें पता चली हैं। एक बात ये पता चली है कि दुष्कर्म का प्रयास किया गया और जब इसमें वो फेल हो गया तो उसने बेचने का प्रयास किया, आरोप है। अभी आरोपों में सच्चाई कितनी है वो एक अलग बात है, आरोप है, अभी केस दर्ज हुआ है, मामले की जांच होगी, जांच में सच कितना है, झूठ कितना है, वो बात पता चलेगी। क्या ऐसा तो नहीं कि कोई लड़ाई थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेम प्रसंग का मामला था, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ और इसके भीतर से निकल कर सामने अभी आए, अभी केवल मामला दर्ज हुआ है। मुझे लगता है इस केस में अभी काफ़ी कुछ बचा हुआ है जिस पे आगे भी हम लोगों की नज़र बनी रहेगी। एक बात इसमें मृत्युंजय ये भी कि इस तरीके से किसी के झांसे में आना, जी जब आपको यूपीआई की सुविधा है, तमाम तरीके की बैंकिंग सुविधाएं मौजूद हैं, उस वक्त में किसी के झांसे में आना ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली बात है। अकेले नैनीताल पहुंच जाना और उसके बाद इस पूरा घटनाक्रम को का होना, ये एक बहुत चौंकाने वाली बात है। और अगर ये वारदात सच है तो बहुत बड़ी बात है कि किसी को बेचने का प्रयास किया गया, लड़की को बेचने का प्रयास किया गया, उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया, उसको बहलाया फुसलाया गया, ये तमाम ऐसी धाराएं हैं मुझे लगता है अगर किसी के ऊपर लग जाएं तो वो सालों तक जेल से बाहर नहीं आ सकेगा, और यकीनन इस मामले में भी पुलिस अपना काम करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।